पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक अंडा कारोबारी के साथ लूट की कोशिश करने और विरोध करने पर गोली मारने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। दरअसल 9 जनवरी की देर शाम अंडा कारोबारी हरिओम अपनी दुकान के कैश काउंटर पर बैठा था, तभी अचानक नकाबपोश बदमाश गोदाम में घुस आए और लूटपाट करने लगे। जब लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 गोलियां कारोबारी को लगी। बदमाश घायल अवस्था में उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। अंडा कारोबारी जमीन पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने और अन्य कर्मियों ने कारोबारी हरिओम को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद SSP ने टीमों का गठन किया, जिसके बाद पुलिस लाइन में SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने घटना का खुलासा कर दिया। मझोला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विगत जनवरी माह में 9 तारीख को मंडी चौकी क्षेत्र में जो ढक्का खोला है, वहाँ पर एक अंडे वाले की दुकान पर 3 व्यक्तियों ने आके उसके ऊपर फायर किया था और उसके साथ वहाँ चीना जुट्टी भी हुई थी। उस समय इस संबंध में अब मझोला पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के अज्ञात थे, उसमें हमारी पुलिस ने सघनता से कार्यवाही की। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ से CCTV फुटेज उठाए गए और इसमें बाकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के बाद इसमें 3 अभियुक्त इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक राजा उर्फ सत्येंद्र है, ये लाकड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, थाना मझोला का। दूसरा गौरव उर्फ डॉन है, ये भी लाकड़ी क्षेत्र का ही है। और कलुआ नितिन, ये भी लाकड़ी थाना मझोला क्षेत्र का है ये। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है गौरव उर्फ डॉन, ये इसके पास उस समय तमंचा भी मौजूद था। इसने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है और जब वहाँ पर ये लोग क्योंकि नशे करने के आदि हैं तीनों, इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने आपस में ये तय किया कि वहाँ चल के उससे पैसे लेके आना है। वहाँ पहुँचे ये लोग और उस व्यक्ति के साथ इन्होंने जब मारपीट करने की कोशिश की तो उसने भी इसका प्रतिरोध किया, तो इन्होंने दुकान के बाहर आके उसके ऊपर एक फायर किया था, जिसमें वो व्यक्ति जो कारोबारी था वो इंजर्ड भी हुआ था, परंतु ये लोग वहाँ किसी प्रकार की घटना करने में सफल नहीं हो सके थे। इस प्रकार इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो तमंचे जो घटना में प्रयुक्त भी किए गए थे वो बरामद हुए हैं, और वो मोटरसाइकिल जिस पर ये लोग घटना करने तीनों व्यक्ति गए थे उसको भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही इनसे जब और भी गहराई से पूछताछ की तो इन्होंने एक अन्य घटना जो हमारी इससे पूर्व में एक महिला के साथ एक बैग छीना गया था दिसंबर माह में, उसमें भी इन्होंने ये घटना कारित की थी। उस समय ये लोग स्कूटी पर थे, इसमें जो राजा उर्फ सत्येंद्र है ये मोटरसाइकिल भी इसकी है और इसी के पास स्कूटी है, इसके पास 2-3 इस तरह की गाड़ियां हैं जिसको ये लोग घटना करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी हम लोग और भी गहराई से पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने और कहाँ कहाँ घटनाएं की हैं। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण सफलता। अंडा व्यापारी से जिस तरीके से लूट का प्रयास किया गया था, सर क्या इससे पहले रेकी की थी इन्होंने? ये क्योंकि स्थानीय रहने वाले हैं, बहुत दूर के नहीं हैं, लाकड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं, तो इनके लिए सभी रास्ते जाने पहचाने हैं ये। तो ये शाम के समय इनको इन्होंने नशा भी किया हुआ था, जिस समय इनका कहना है कि जब घटना ये करने गए थे तो नशे की हालत में थे तीनों, स्मैक लेने के आदि हैं ये, और उसी के लिए इनको पैसों की जरूरत पड़ रही थी, उसमें ये आके इन्होंने घटना करने का प्रयास किया था। सर एक बहुत बड़ी खुलासा हुआ है ये फायरिंग का, सर टीम के लिए कुछ करना जी? ये बहुत बहुत अच्छी कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा की गई है। इसमें इस गैंग के ऊपर हम लोग अभी और भी कार्यवाहियाँ करेंगे, गैंगस्टर और की जो संपत्ति जब्ती करने की कार्यवाही की जाएगी, और इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए इस टीम को SSP महोदय की ओर से इनाम की भी घोषणा की गई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।